आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। ब्रिक्स और बिम्स्टेक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घेरा। ब्रिक्स और बिम्स्टेक सम्मेलन में पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह अपने सबसे प्यारी औलाद बन चुके आतंकवाद के अंधेरे को गले लगाता है और फैलाता है। उन्होंने आतंकवाद से मुकाबले के लिए निर्णायक लड़ाई की वकालत करते हुए कहा कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद की निंदा करने के दिन बहुत पहले लग गए और अब यह खड़े होने और कार्रवाई करने का वक्त है। लिहाजा ब्रिक्स और बिम्स्टेक के लिए जरूरी है कि वे समय पर प्रतिक्रिया जाहिर करें जिससे आतंकी दोषियों के खिलाफ हमारे समाज को सुरक्षित रखा जा सके। इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति ने भारत के साथ एकजुटता दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुकाबले के लिए व्यापक रणनीति पर जोर दिया, लेकिन चीन की मौजूदगी के कारण ब्रिक्स देशों के बीच पाकिस्तान में जड़ जमा चुके लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के जिक्र पर सहमति नहीं बन सकी। गोवा घोषणा पत्र में सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र नहीं हुआ। ब्रिक्स बिम्स्टेक आउटरीच मीटिंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा और ब्राजील के मिचेल टेवर ने भी शिरकत की। बिम्स्टेक के नेताओं में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, म्यांमार के विदेश मंत्री आंग सान सूची और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शामिल थे।